लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नवागत मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने आज विकास भवन में विभागों का किया निरीक्षण। निरीक्षण में कई कर्मचारी उन्हें अपने कार्यालय पर नहीं मिले। बताते चले, ऐसे कर्मचारियों पर मुख्य विकास अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात, देखिए इस रिपोर्ट में। नवागत मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने आज शनिवार को विकास भवन में विभागों का लिया जायजा। निरीक्षण में कई कर्मचारी उन्हें अपने कार्यालय पर नहीं मिले। ऐसे कर्मचारियों पर मुख्य विकास अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। सर, आपने अभी विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया है, क्या स्थिति सामने आई सर? अभी आज सुबह हमने ऑफिस आवर्स, जैसा हमारा टाइम शुरू होता उस टाइम पे विभिन्न विकास भवन के विभिन्न डिपार्टमेंट जो भी यहाँ हैं वहाँ जाकर हमने आज सुबह निरीक्षण किया। क्योंकि आज ये आज का दिन जो था वो दो छुट्टियों के बीच का था, तो ये हमें ऐसा अंदेशा था कि हो सकता है काफ़ी सारे लोग ना आए, लेकिन हमारे अंदेशे के मुताबिक काफ़ी लोग हमें ऑफिस में मिले। कुछ लोग जो नहीं थे उनके खिलाफ नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा भी हमने सभी डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बोल दिया, निर्देशित कर दिया है कि वो टाइम पे इंश्योर करें कि उनके सारे स्टाफ जो हैं वो टाइम पे आएँ, और यदि कोई भी स्टाफ ऐसा पाया जाता है जो टाइम पर ना आता है या फिर जो रेगुलर छुट्टी पे रहता है या फिर बिना बताए किसी टूर या किसी प्रोग्राम पे जाता है और बाद में अगर ऑफिसर को बताता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जी, इस तरह की समस्याएं दो तीन जगहों पे आई थी, तो उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं और अभी हमारी तरफ से उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। और इस तरह का व्यवहार अगर दोबारा किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑफिसर द्वारा पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। आज सर कितने विभागों के विभागाध्यक्ष मौके पर नहीं मिले सर? दो विभागों के विभागाध्यक्ष मौके पे नहीं थे। जो कंप्लीट डिटेल होगी तो वो तो पता चल जाएगा, तो उसमें दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष को हमने नोटिस जारी करेंगे और उनको बुलाया जाएगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।